हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या घोल रही है। ये चावल का आटा है दोस्तों, जो मैंने पानी डाल के इसको घोल लिया है। इसको ना ही ज़्यादा गाढ़ा करेंगे और ना ही ज़्यादा पतला, एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे, जैसे डोसे के लिए लगाते हैं वैसा ही। हिंदी में इसको डोसा भी बोलेंगे। ये थोड़ा लेकिन मोटा होता है डोसे के मुकाबले। ये देखिए, तोए में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। चाहे तो आप घी भी डाल सकते हैं, पर मैं आज और रिफाइंड ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। देखिए, तो अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद आप चम्मच की सहायता से इसको मिला लीजिए ऑयल को। अब हमने इसमें वो बैटर डाल दिया है, इसको अच्छे से फैला लेंगे जैसे डोसा बनाते हैं वैसे ही। ये कुमाऊनी डिश है छोई रोटी, इसको माणा भी बोलते हैं, या हिंदी में इसको चावल का पराठा भी बोल सकते हैं। ये देखिए, जब एक तरफ अच्छे से पक जाए तब इसको पलट देना चाहिए। तो दूसरी तरफ भी आप घी या ऑयल लगा के इसको सेक सकते हैं। ऐसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, फिर पलट लेंगे इसको। अच्छे से पकाना है ताकि ये कच्चा ना रहे। ये देखिए, इसको हम किसी के साथ भी खा सकते, दही के साथ, चटनी या कोई भी सूप वगैरह उसके साथ इसको खा सकते हैं, रायता। ये देखिए, गर्मा गर्म नाश्ता बन गया हमारा। आप लोग भी इंजॉय कीजिए, अपने घर में बनाइए। ओके दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। कल और एक नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी मैं। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।